तो बेसिकली वेक्टर के इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो पहला प्रोडक्ट है हम वेक्टर का पढ़ने वाले हैं वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ना हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहली बात, मैं दो वेक्टर ले रहा हूँ, जैसे ये मेरे पास ए वेक्टर है, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है 3D में, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जी के कैप। वहीं पर ये बी वेक्टर है दूसरा हमारे पास, वो है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जी के कैप। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ या फिर जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं उसकी बात करूँ, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो क्या है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसमें जो ए और बी टर्म्स हैं वो एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो ए का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है और बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो हमारे पास ए बी कॉस थीटा फार्मूला रहा है। अगर मुझे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में इसको लेकर जाऊँ, तो कॉस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी अपॉन ए के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देना बी के मैग्नीट्यूड के साथ, सिंपल। तो ये थीटा निकालने का फॉर्मूला। और हमारे पास वैसे फॉर्मूला क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब क्योंकि जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारे पास कुछ एक केसेज है जिनको हम डिटेल में पढ़ते हैं ना इसमें। तो अगर मैं केसेज की बात करूँ, तो देखो हमारे पास सबसे पहली चीज़ केस वन है। केस वन में क्या है कि अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, अगर दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, जैसे तुम्हारे पास ये देखो ना, सपोज करो ए वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर दोनों के बीच का एंगल ही 0 डिग्री है, तो हमें ये पता है कॉस 0 क्या होता है, 1। तो हमारे पास जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी, जो कि डॉट प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। जो सेकेंड है हमारे पास वो क्या है, सेकेंड केस में सपोज करो दो वेक्टर एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब है सपोज करो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इस केस में इनके बीच का एंगल क्या बन जाएगा, 180 डिग्री। और हमें ये पता है कि जो कॉस 180 होती है उसकी वैल्यू -1 होती है, तो इस केस में हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा वो -AB आ जाएगा, जो कि मिनिमम वैल्यू होती है। अब जो थर्ड केस है हमारे पास वो क्या है कि सपोज अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, सपोज करो ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा ना, हमारे पास जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा दो वेक्टर का जब उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये तीन पर्टिकुलर केसेस हैं। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ना हमारे पास जो एंड रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे सपोज करो वर्क डन है, वर्क डन होता है तुम्हारे पास फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन वर्क डन क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का अगर प्रोडक्ट ले रहे हो और वो स्केलर आ रही है, तो इसका मतलब उनके बीच का क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। तो वर्क डन को हम लोग एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर भी लिख सकते हैं या फिर एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। इस केस में जो थीटा है वो एंगल है, किसके बीच का एंगल है, हमारी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें डॉट प्रोडक्ट में ना, वो क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। एक्चुअली में जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिकली हमें क्या बताता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन फिगर्स को, मैं यहाँ पे एक वैसे जनरली बताता हूँ। सपोज करो ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हमारे पास जो है वो बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अगर मैं बी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रेजोल्यूट करूँ, सपोज करो मैंने इसको रेजोल्यूट कर दिया, तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा बी साइन थीटा और ये हमारे पास हो जाएगा बी कॉस थीटा। लेकिन अगर मैं ए डॉट बी वेक्टर यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ले रहा हूँ, तो वो ए बी कॉस थीटा होता है। मैं ए बी कॉस थीटा को, देखो बी कॉस थीटा को इसका मतलब ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन बी कॉस थीटा क्या है, मेरे पास ओ आर है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या है, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट को मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन डायरेक्शन ऑफ ए, यानी कि बी की रेजोल्यूशन के बाद, बी वेक्टर की रेजोल्यूशन के बाद वो उसका कंपोनेंट जो ए के अलोंग आ रहा है, हम एक्चुअली में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ। वैसे ही मैं इसको दूसरे सेंस में भी लिख सकता हूँ ना, कि अगर हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए बी कॉस थीटा, इसका मतलब मैं बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए कॉस थीटा के साथ। तो सिंपल सी चीज़ हमारे पास क्या निकल आएगी कि मैं बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
किसके साथ? ए का वो कंपोनेंट जो हमारा बी वेक्टर के अलोंग है, जो कि ए कॉस थीटा इस केस में। तो स्केलर प्रोडक्ट जो होगा दो वेक्टर का वो इक्वल होता है। एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने मल्टीप्लाई करना है दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के साथ जो उसी वेक्टर के अलोंग होगा। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या थी, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है किसकी, हमारी स्केलर प्रोडक्ट की। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन जो है इसके ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन निकलता है, तो सिंपल इसकी डेफिनेशन जो है इंपॉर्टेंट है, समझा तो मैंने दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करूँ तो मैं आई कैप, जे कैप और के कैप की बात कर रहा हूँ। देखो मैं दो आई कैप के बीच में डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ। अब हमें ये तो पता ही है ना कि ये दोनों के दोनों जो आई कैप होंगे वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होंगे, और इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और हमें यह पता है यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, इसका मतलब वो क्या आ जाएगा, 1। तो अगर मैं आई कैप डॉट आई कैप कर रहा हूँ तो भी 1 आएगा, जे कैप डॉट जे कैप करूँगा तो भी 1 आएगा, के कैप डॉट के कैप करूँगा तो भी 1 होगा। क्या हो अगर मैं आई को जे के साथ करूँ, जे को के साथ करूँ या के को आई के साथ करूँ? अब सीधी सी बात है, आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है आई कैप, और जे कैप होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। अगर मैं इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ऑब्वियस ही बात है इनके बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू तो वैसे ही 0 होती है। तो हमारे पास ये आ जाएगा ना कि जब भी मैं आई को जे के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0 होगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं जे कैप को के कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 आएगा, के कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो भी 0 आएगा। और यहाँ पे सारी मल्टीप्लीकेशन में फॉर्मूला तो वही यूज़ हुआ ना पहले वाला, कि ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये वाली चीज़ का ध्यान रखना। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ किसके बीच में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट लूँ, तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स थे, ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट किया। अब सिंपल सा फंडा पता क्या होता है यार, हमारे पास मैं ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ भी करूँगा, बी वाई जे कैप के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा और बी जेड के कैप के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगा। अब अगर मैं ए एक्स आई कैप को बी एक्स आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियस ही बात आई कैप इंटू आई कैप तो 1 हो जाएगा, मेरे पास ए एक्स बी एक्स बचेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आई को जे के साथ करूँ तो इनके बीच तो एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये तो टर्म ही 0 हो जाएगी। अभी अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा कि आई कैप का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ किसके साथ, जे कैप के साथ, तो वो क्या होता है, 0 होता है हमारे पास, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आई का के कैप के साथ लूँ तो वो भी 0 होगा। तो इसका मतलब ए एक्स आई कैप को अगर मैं बी एक्स आई कैप के साथ करूँगा तो ए एक्स बी एक्स आएगा, बाकी दोनों के साथ तो 0 आ रहा है। ऐसे नेक्स्ट क्या करूँगा मैं, जो हमारा ए वाई जे कैप है उसको मल्टीप्लाई करूँगा बी एक्स आई कैप के साथ, लेकिन जे को आई के साथ करता हूँ तो 0 आता है क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। ए वाई को अगर मैं बी वाई जे कैप के साथ करूँ, जे कैप 1 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वाई बी वाई आ जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं ए वाई जे कैप को बी जेड के कैप के साथ करूँगा तो फिर से आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। वैसे ही जो लास्ट है हमारे पास ए जेड के कैप, अगर उसको मैं बी एक्स आई कैप के साथ करूँगा, के और आई का मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, 0। ए जेड के कैप को बी वाई जे कैप के साथ करूँगा, फिर से के और जे के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन ए जेड के कैप को अगर मैं बी जेड के कैप के साथ करूँगा तो के कैप इंटू के कैप तो 1 हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल 0 होता ना, तो हमारे पास ए जी बी जेड आ जाएगा और ये में हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट लेना ना तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना। अब सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हमने 3D वेक्टर की वीडियो में भी पढ़ा था, कि अगर कोई वेक्टर है, ए वेक्टर, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जी के कैप के साथ, तो जो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी स्क्वायर। तो इसका ध्यान रखना। तो इसके साथ ना हमारा डॉट प्रोडक्ट जो है वो ओवर हो जाता है।